18 साल की उम्र कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत होती है जब अपने डेब्यू टेस्ट में कोई तेज शतक लगा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय टीम के भविष्य के सचिन पृथ्वी शॉ की। 18 वर्ष 329 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ अपने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शॉ ने 154 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 134 रन की बेहतरीन पारी खेली। आइए जानते हैं शॉ ने अपना बता दें कि टीम इंडिया का यह नायाब सितारा पृथ्वी शॉ अपने करियर का पहला इंटरनेशनल शतक अपने पिता को समर्पित किया है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद पृथ्वी ने कमेंटेटर से बातचीत में कहा कि वो अपना डेब्यू शतक अपने पिता के नाम करते हैं जिन्होंने उनके लिए इतना त्याग और बलिदान किया है। पृथ्वी शॉ जब केवल 4 साल के थे तब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भारत से डेब्यू का मौका मिल जाएगा। मैं मैच दर मैच आगे बढ़ा और आखिर में आज मैंने डेब्यू किया। मैं इस पारी को अपने माँ और पिताजी को समर्पित करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए काफ़ी बलिदान किए। मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा था और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी बलिदान किए। जब मैं शतक बनाता हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ और यह मेरा पहला टेस्ट शतक है और यह पूरी तरह से उन्हें समर्पित है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।